दुनिया भर के बाजारों से है आज दमदार तेजी के संकेत और भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत के आसार। सबसे बड़ा सवाल है रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाओ, गैप से खुलने के बाद खरीदे या फिर करें बिकवाली, लेंगे सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं डिम्पी कालरा। काफी दिनों बाद आपका ये शब्द सुनने लगा, मैं हूं अनिल सिंह भी स्टूडियोज में। इससे पहले तो आपकी जब हम तस्वीर देख रहे थे लंदन से, जो हमको लगातार बेहतर तरीके से दिख भी रही थी, जोश और जुनून आपको दिख भी रहा था। और मैं कल के वाक्य की एक बार फिर से तारीफ करना चाहूँगा। जैसे मैंने कल भी कहा था दर्शकों के सामने कि लोग जब किसी क्राफ्ट से उतरते हैं तो सबसे पहले जहाँ गए थे वहाँ की बातचीत, अपने घर की बातचीत, और आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत की। नहीं, मैं एक्चुअली कल का क्लोजिंग शो मिस कर गया, मैं थोड़ा फ्लाइट से लेट हो गया, नहीं तो मेरा इरादा ये था कि सीधा मैं एयरपोर्ट से ऑफिस आऊँगा, शो करूँगा। और मुझे समझ में आ रहा था कि मार्केट के हाल जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों में काफ़ी ख़राब हुए हैं, उसको देखते हुए काफ़ी ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था और लोगों के सोशल मीडिया पर रेस्पॉन्स आ रहे थे, लोग काफ़ी परेशान थे। तो मेरी भी इच्छा थी कि जल्दी से मैं डेटा एनालिसिस कर पाऊँ, बात कर पाऊँ लोगों से, तो वो कोशिश थी मेरी। अभी फिर से वही सवाल आता है सर, ये कैसे कर लेते हैं? नहीं डिम्पी, सही बात ये कि अगर आपके दिल में जुनून है और वाकई में अगर आप चाहते हैं तो आसानी से हो जाता है, मुश्किल नहीं पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ जब जब जैसा मौका मिलता था आप लोगों की मेल्स चेक कर लेता था, डेटा देख लेता था। हालांकि उतना नज़दीकी से जितना यहाँ एनालिसिस करते हैं उतना तो नहीं, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया था कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग परेशान क्यों हैं, तो वो डेटा था। और साथ में फिर कल आपने तुरंत ही डेटा भेज दिए और मैं फ्लाइट से उतरा, डेटा देखे, और मैं इसीलिए मैं जब कल फ़ोन कर रहा था मैं आपको बार बार पूछा था लेवल्स क्या चल रहे हैं, लेवल्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जाने के पहले पिछले मंगलवार को आखिरी शो किया था, राइट, और तब मैंने 31,700 के आसपास, 31,600 के आसपास बैंक निफ्टी पर शॉर्ट खोल दिया था। उस समय शायद ही किसी के चार्ट पे या रडार पे शॉर्ट कॉल आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे वो संकेत आ रहे थे कि यहाँ टॉप बनने के संकेत मिल रहे हैं, यहाँ रुकना चाहिए, राइट, और 31,783 का जो लाइफ टाइम हाई है उसके पार ही खरीदेंगे, उसके पहले नहीं खरीदेंगे, ये हमारी बहुत क्लियर कट थी। वही कॉन्फिडेंस अभी मुझे खरीदने का है। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस उस वक्त बेचने का था वो कॉन्फिडेंस आज खरीदने का है। जब तक 30,200 नहीं तोड़ेंगे बैंक निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर, तब तक हम फ्रेश बिकवाली नहीं करेंगे। अब नई मंदी नहीं, मेरे लिए बहुत क्लियर कट है 30,950 ऊपर, माफ कीजिएगा निफ्टी की बात पहले कर दूं, 11,650 नीचे और 11,950 ऊपर, ये 300 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक इस रेंज के बीच में निफ्टी क्लोज हो रहा है मुझे कोई चिंता नहीं, ट्रेंड न्यूट्रल है, बल्कि न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है। 11,650 के नीचे निफ्टी बंद होगा तो मुझे चिंता है, 30,250 के नीचे या 30,200 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो मुझे चिंता है कि मेरा ट्रेंड न्यूट्रल से और रिवर्स गियर में नेगेटिव में ना चला जाए। तो पिछले 5-6 दिनों में चाहे कमजोरी हुई हो, मंदी हुई हो, लेकिन ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, बदला नहीं, इसलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं। और ओवरसोल्ड मार्केट है एक्चुअली। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि ठीक है कल मैंने क्लोजिंग में एक लॉन्ग कॉल दिया, उसके बाद शायद बड़ा भी, मेरे ख्याल आखिरी मिनटों में बड़ा था, बिल्कुल आखिरी मिनटों में बड़ा, और बकायदा हमारे निशान में बंद होके गए। कल हमने निफ्टी के अंदर 11,700 को भी अचीव किया। एक्चुअली मुझे ये बाय कॉल परसों ही आ रहा था, लेकिन परसों ऐसा चांस मिला नहीं कि मैं बाय कॉल दे, परसों के डेटा साफ दिखा रहे थे कि आपको कल खरीदना था और कल, लेकिन ठीक है कल के और परसों के लो लेवल लगभग सेम है तो आपको कल एक दिन की स्ट्रेस कम लेनी पड़ी। और सबसे बढ़िया बात यह कि जब आपको बाय कॉल आए और तुरंत मार्केट बढ़ जाए तो फिर उसको कहना है तो एक कंफर्ट, एक ईज, वो थोड़ा अच्छा मिल कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। खैर सभी ट्रिगर्स पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन अहम ट्रिगर आपका आना भी है वापस, और ये ट्रिगर ही अपने आप में मार्केट को आज तेज कर रहा है। आप सभी ग्लोबल मार्केट्स को इस समय देख सकते हैं, सभी के सभी ग्लोबल मार्केट्स आज तेज हैं, चाहे हांगकांग का बाजार है, वहां पे प्रदर्शन खत्म हुआ और करीब 2.5% ऊपर आके ट्रेड होता दिख रहा है, और इसके अलावा निकाई के अंदर भी तेजी है। लेकिन सर आपकी यात्रा, ये जो मैच हुआ बहुत जबरदस्त था, तस्वीरें बड़े जोश के साथ आपको देख पा रहे थे, मैच का जरा रोमांच बताइए। मैच एक्चुअली रोमांच जब तक शुरू ना हो तब तक बहुत ज्यादा होता है, शुरू होने के बाद मैच धीरे धीरे सेटल हो गया। लेकिन हाँ डिम्पी, एक चीज कहनी पड़ेगी, ऐसा लगा ही नहीं कि लंदन में है या मैनचेस्टर में, आप अच्छा हिंदुस्तान में है, पूरा हिंदुस्तान, मतलब जिस तरह का जोश जुनून मेरे ख्याल से मैंने इससे बेहतर क्रिकेट मैच जिंदगी में नहीं देखा अब तक।
और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, और वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ की टिक बुक होती है कि मुझे ज़िंदगी में ऊपर जाने के पहले ये काम करने हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, उसमें से एक मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक वर्ल्ड कप में ज़रूर देखूं, और वो देखने को मिला, और दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। और जिस तरह का जोश लोगों में, जिस तरह का मैच, और बढ़िया बात यह थी कि जब फर्स्ट इनिंग हुई और हमने स्कोर अच्छा किया 300 प्लस का, तब भी मैंने ट्वीट किया था कि ये लोग जो लोग सोचे कि रोमांचक मैच होगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, वन साइडेड मैच होगा, और अगर शायद 50 ओवर खेलती तो पूरे 275 के जो टारगेट मैंने रखे थे लगभग उसके आसपास पाकिस्तान की टीम पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा 275 पार नहीं होगा पाकिस्तान से, तो वन साइडेड मैच होना था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, क्योंकि 300 प्लस बनाना है हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सेकंड बैटिंग करके ऐसी कंडीशन में जहां कभी बादल आ रहे हैं कभी बादल जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सब तो खैर गेम है, आपको कई बार देखने को मिलता है, लेकिन जो माहौल आप वर्ल्ड कप में देखते हैं रोंगटे खड़े करने वाला मतलब, और ये रोंगटे खड़े करने वाला माहौल एक बार नहीं होता है मैच में, कई बार एक एक विकेट गिरने पर, एक एक सिक्स लगने पर, एक एक फोर लगने पर, उफ, मतलब ये शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन वंडरफुल। और हमारे लिए तो वही होता है, पाकिस्तान को हरा दिया मतलब हम वर्ल्ड कप जीत गए, अब वर्ल्ड कप में जो भी होना हो, लेकिन तो हमारे लिए एक बार तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एक तो वर्ल्ड कप आ चुका है, एक वर्ल्ड कप आ चुका है पाकिस्तान को हराने वाला। इस बीच आपकी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस समय, वहीं की तस्वीरें हैं, वहाँ पे मोदी मास्क वाले भी काफ़ी। हाँ हाँ, अरे मतलब सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई है वहाँ पर तो कोहली धोनी के बाद मतलब मोदी जी हैं, मतलब तो उसमें कोई डाउट नहीं है, नारे वही लगते हैं, कोहली कोहली धोनी धोनी, इंडिया इंडिया, मोदी मोदी, ये चार नारे आपको सुनने में मिलेंगे, लेकिन लोग ढोल नगाड़ों के साथ। और एक अच्छी बात जो मैंने देखी, जो हम हिंदुस्तान में मिस करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, जब आप स्टेडियम जाते हैं ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते, वहाँ पर जो सामान ले जाना चाहें, बैंड बाजा बारात सब ले जाइए आप, अच्छा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग आराम से इन्जॉय करते हैं, तो वो मैच देखने का आनंद अलग है वहाँ पर, वो माहौल यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आपको खाली हाथ जाना होता है, सारी दिक्कतें हैं, वहाँ बड़े से बड़े झंडे, लोग अपने बैग भी ले जा रहे हैं, बैंड वैंड ले जा रहे हैं, ढोल ले जा रहे हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो वो फील ही अलग आती है, फील ही खैर अलग आती है। खैर, वो फील हम आपके चेहरे से, आपकी बातों से फील कर ही रहे हैं कि हाँ, बहुत रोमांचक आप एक मैच देख के हैं, और आपने एक काम जो भारत में, भारत को जिताने का किया, फतेह हासिल करवाने का किया, ये भी बहुत शानदार रहा। सर, मैं जरा मार्केट्स पे कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पे भी आना चाहता हूँ जी, जरा मैं पहले ग्लोबल मार्केट्स पे आना चाहता हूँ। अब क्रिकेट के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया जी। ट्वीट दो हिस्सों में है, पहला उन्होंने ये ट्वीट किया कि उनके चाइना के साथ बातचीत हुई है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पावल साहब ठीक नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जरूरत पड़ेगा, आप हटा दोगे? बोला हाँ हटा देंगे, बोले देखते हैं वो क्या करते हैं। हाँ, तो इस बार दबाव काफी है, अब ये अलग बात है कि पॉवेल साहब उस दबाव के आगे झुकते हैं नहीं। हाँ। झुकते हैं, लेकिन ब्याज दरों में कटौती के लिए एक बेस बन रहा है। मजे की बात देखिए, अमेरिकी बाजार जून महीने के सबसे शानदार प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जून महीना अमेरिकी बाजारों के लिए बेहद शानदार रहा है। अब हम दुखी हैं। हाँ। हम कमजोर हो रहे हैं, और अमेरिका एकदम हरियाली के साथ बढ़िया ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आपको याद है जब ये पहली बार खबर आई थी कि अमेरिका दबाव डाल रहा है चीन पर कि आप G20 की शी जिनपिंग आए, हाँ आइए, तब भी मैंने यही कहा था कि अभी 20 दिन है, 20 दिन में बहुत कुछ होगा, ये अभी से ये दबाव बना रहे हैं, बहुत टाइमर सब आ जाएंगे, मिल लेंगे ऐसी G20 की बैठकों में कोई इस तरह से। अब आप खुद देखिए, ट्रंप साहब के ट्वीट बिल्कुल अलग आ रहे हैं, वो कह रहे फोन पे बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है हमारी, ये है ना, मतलब वो मियां बीवी वाला झगड़ा है, रहना एक ही घर में, हाँ रहना एक ही घर में, झगड़ लेंगे, लेकिन वो मतलब ये दोनों अमेरिका और चीन को, दोनों को अपनी अपनी सिचुएशन पता है, नाप तोल कर रहे हैं, ठीक है, चीन भी, बार्गेनिंग हो जाए। हाँ, चीन भी समझता है कि ट्रंप साहब के लिए इलेक्शन ईयर है तो उन्हें करना पड़ेगा। ट्रंप साहब ये कहेंगे देखिए भाई, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे जहाँ मतलब टूट जाए मामला, तो ये ताकत आजमाइश वाली चीजें हैं, चलती रहेगी, इसके दम पर कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कहीं कोई ऐसा ना होगा कि चीन और अमेरिका ट्रेड वॉर को लेकर बहुत बड़ा तनाव कर देंगे, मुझे नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मैं न तो विदेशी मामलों का जानकार हूँ, न चीन अमेरिका का जानकार हूँ, न ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो मेरी कॉमन सेंस है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये कि ये बस ऐसे बोलेंगे दोनों आपस में, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लड़ेंगे जिससे कि मार्केट एकदम खराब हो जाए। देखिए,
इस बीच एक ट्वीट आपने भी शायद पढ़ा होगा जब मैं वहाँ लंदन में था, ट्रंप साहब ने कहा कि अगर मुझे वापस नहीं जीता है तो अमेरिकी मार्केट क्रैश हो जाएंगे 2020 में, ऐसा बोला है। गजब है भाई साहब, ये तो मतलब सीखने लायक है बहुत कुछ इसमें। कोई प्रेसिडेंट कैसे बोल सकता है, मतलब हम हिंदुस्तान में तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई स्टेटमेंट भी आ जाए। वो साफ साफ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट उनके बड़े दिल के करीब है। और अगर मार्केट उनके दिल के करीब है तो फिर वो मार्केट थोड़ी गिनने देंगे ट्रेड वॉर की वजह से। जैसे उन्हें लगेगा कि अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया एक बढ़िया ट्वीट, अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया एक नेगेटिव ट्वीट, तो ये चलता रहेगा डिम्पी। ट्रंप साहब के साथ तो कितने चाहिए, जितने चार्टिस्ट होंगे कभी थोड़ी उनके पास। ये अच्छा एनालिसिस है आपका कि हम जहाँ भी आपको सपोर्ट दिखे वहाँ पे अच्छा सा एक ट्वीट कर दो और बाजार ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, एफआईज घरेलू फंड के डेटा न्यूट्रल हैं। एफआईज मुझे पता चला कि पिछले 4-5 दिनों में बहुत बेच के गए, एब्सेंस में अब नहीं बेचेंगे, चिंता न करें। घरेलू फंड के डेटा ठीक है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है, सेंटिमेंट में पॉजिटिव रख रहा हूँ कॉशियस के बजाय, पॉजिटिव रख लूँ, रख लीजिए ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर पॉजिटिव रख रहा हूँ और ट्रेंड मेरा न्यूट्रल है आज। ठीक है, यानी इसमें हमको कहीं तो कोई नेगेटिव दिखा नहीं, जो दिखा वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें कहीं कोई नेगेटिव नहीं। और ये आज दिख भी रहा आपको आंकड़ों में, ग्लोबल मार्केट्स के आंकड़ों में। सर फिर आज की निफ्टी की निर्णायक रेंज 11700 निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, बैंक निफ्टी पर 6650 नहीं रखा सर जिसको आप कह रहे थे, निर्णायक लेवल 11700 है, निर्णायक लेवल मेरे लिए 11700 है और बैंक निफ्टी का निर्णायक लेवल 30500 आज मानकर चलिए। रेंज बहुत इंटरेस्टिंग दी है डिम्पी मैंने, आज की रेंज निफ्टी की 11700-11800 छोटी रेंज है और मीडियम रेंज जो दी है वो मैंने 11675 से 11825 की दी है। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना है कि मीडियम रेंज में बाजार ट्रेड कर जाए। बिगर रेंज जो दी है वो 11640 की, आज मैं एक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ, वो सही है गलत है वो दोपहर में 3:30 बजे पता चलेगा, लेकिन मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि कल के लोज शायद नहीं टूटे 11640। तो मैंने 11640 को एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैंने वो बहुत बड़ा सपोर्ट मान लिया है और ऊपर की तरफ 11900 तक, मेरा ये मानना है कि 11640 तोड़ने के पहले 11900 आना चाहिए। ओके, ऐसा ये मैं मान के चल रहा हूँ, 11900 पहले आ जाएगा, 11900 तक का एक पुल बैक बनता है बाजार में। अब वो आज कल में हो जाता है या शुक्रवार तक होता है ये देखने की बात है, लेकिन पुल बैक के लिए बाजार तैयार है। और ये पुल बैक सिर्फ ऐसा नहीं कि चलिए मैं आ गया हूँ इसलिए 150 पॉइंट का पुल बैक हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। इस बाजार को तो ऊपर जाना जाना, मैं नहीं भी आता तब भी जाता था, लेकिन ये पुल बैक थोड़ा साइजेबल पुल बैक दिख रहा है मुझे। 11900-11925 तक की मुझे जगह कम से कम दिखती है, उसके बाद देखेंगे, तो वहाँ तक आने की तैयारी है। अब हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कल एक्सपायरी में ही आ जाए, और कल एक्सपायरी में ना आए तो शुक्रवार तक, इस हफ्ते के लिए मुझे ये लेवल ऊपर की तरफ दिखते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 30500 मैंने पहला लेवल दिया, जबकि आप देखिए बैंक निफ्टी जबकि बंद काफ़ी उसके नीचे हुआ है, बंद आपका हुआ 30350, मैंने 150 पॉइंट ऊपर का निर्णायक लेवल दिया है और रेंज का पहला लेवल भी मैंने 150 पॉइंट ऊपर दिया, क्योंकि मैं 30550 के आसपास कहीं खुलने की उम्मीद कर रहा हूँ बैंक निफ्टी, 150 हाँ उसके नीचे नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 30500-30625 पॉइंट की रेंज, ये पहले छोटी रेंज है, 30350 कल का क्लोजिंग लेवल और 30850 ये मीडियम रेंज है, ये मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज जो है 30200, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो एजम्पशन मेरा निफ्टी पर है वही बैंक निफ्टी पर है कि 30200 पिछले दो दिनों का लो है, 30222 कल जो बनाया वो नहीं टूटेगा, 30200-30950। और ये मेरा स्ट्रांगली मानना है डिम्पी की इस बाउंस बैक में बैंक निफ्टी 30931000 तक की जाने की तैयारी कर, वापस आ जाए, हाँ 30900-30950 मुझे आता हुआ दिखता है, कल आ जाए या परसों तक आ जाए। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब 11650 के नीचे आप बंद होते हैं, 30250 के नीचे बंद होते हैं तो आपका ट्रेंड नेगेटिव होगा, तब तक नेगेटिव नहीं है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर आप बंद हो रहे हैं न्यूट्रल ट्रेंड है, 11950 के ऊपर बंद होंगे सुपर पॉजिटिव हो जाएंगे फिर से निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर वो क्लोजिंग लेवल मैं निकाल नहीं पाया कि किस लेवल के ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी में ट्रेंड वापस पॉजिटिव होगा, वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बैंक निफ्टी का पुल बैक है वो करीब करीब 700 पॉइंट का बन सकता है अपने बेस से जो 30250 का है, और आप निफ्टी की कैलकुलेशन डाल रहे हैं 11650 से 900 तक आ सकता है, तो करीब करीब 250 पॉइंट का पुल बैक यहाँ पर भी आ सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक अच्छे मूव के लिए तैयार हो आप हो सकते हैं।
सर, कल आपने कल के 2000 में बैंक निफ्टी बताया था, कल कुछ लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में भी बनी होंगी लास्ट में आते आते, और गिरावट भी थी तो मार्केट में दिख भी रहा था कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन सकती हैं, उनको क्या करना है? 11640 ये क्लियर कट स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, आपका क्लोजिंग बेसिस पर भी, इंट्राडे भी, जिन्होंने कल बनाई है पोजीशन, कल परसों जब भी बनाई हो, ठीक है, आप 11640 टूटता है तो आप डे ट्रेडर हैं निकल जाइए, आप पोजिशनल ट्रेडर है 11640 के नीचे बंद होता है निकल जाइए, ठीक है, बैंक निफ्टी 30200 के नीचे जाता है निकल जाइए, पोजिशनल भी इंट्राडे भी, सिंपल एकदम साफ सुथरा स्टॉप लॉस, बिल्कुल ये सर ज़रा ठीक है बिल्कुल। अब आइए शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन में थोड़ा टिपिकल है, 11730 के ऊपर आज दिन के दौरान निकलता तो शॉर्ट काट लीजिए, ओके, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर शॉर्ट काटने का संकेत 11825 के ऊपर आएगा, पहले नहीं है, ओके, जब तक 11825 नहीं उसके ऊपर बंद नहीं होता तब तक आप चाहें तो एक बार शॉर्ट रख सकते हैं। बैंक निफ्टी 30550 के पार निकलते ही शॉर्ट काट लीजिए, और 30650 के ऊपर बंद होता है तो भी शॉर्ट काट लीजिए, पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट है, मेरे को स्टॉप लॉस निकालने में कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है मेरे लिए, स्टॉप लॉस बहुत साफ सुथरे हैं, कभी कभी ये होता है स्टॉप लॉस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इस बार मैं ये करूँगा ये स्टॉप लॉस आप लिख के रख लीजिए एकदम परफेक्ट, ये ठीक है फिर, और इनको फॉलो कीजिए, लिख के रख लीजिए मतलब ऐसा नहीं दिमाग में रखें सिस्टम में लगाएं, तो शॉर्ट रहने में रिस्क है, मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट रहने में रिस्क है, यहाँ पर लॉन्ग रहने में रिस्क कम है, शॉर्ट रहने में रिस्क है आज की मार्केट, ठीक है। अब सर नई पोजीशंस बनानी हो तो निफ्टी पर फिर क्या? बहुत आसान है, 11640 का स्टॉप लॉस है, 11800 11825 11850 तीन टारगेट के लिए आपको करनी है तेजी, निफ्टी में खरीदारी करनी है, बेचना चाहते हैं तो 11850 11875 की रेंज मिले वहां बेचिए, आज मिलेगी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, आज बहुत दूर है, काफी दूर है, तो आज एक्चुअली मैं वैसे शॉर्ट कॉल देना नहीं चाहता था क्योंकि शॉर्ट कॉल मेरा 11640 के नीचे ही ट्रिगर होता है, जो कि मैं मानकर चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ 11925 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11800 तक के टारगेट के लिए बेचना है। बैंक निफ्टी 30200 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए 30500 30625 30850 तीन टारगेट बैंक निफ्टी के लिए है, 30550 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत रहिए, 30625 हो सकता है 30850 आजकल में आपको मिल जाए, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा चलेगा ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मुझे फिर से ही बैंक निफ्टी में उस हिसाब से अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। इस बीच में FIs और FNO के आंकड़े भी बताऊं आपको, पहले मैं जरा बैन वाला शेयर बता देता हूं, एंटर तो कोई हुआ नहीं लेकिन एक शेयर बाहर गया हुआ है रिलायंस इंफ्रा, 5 शेयर बैन में, IDBI, दीवान, PC ज्वेलर्स, जेट एयरवेज और रिलायंस कैपिटल, ये बैन में है। अब सर जरा FIs के आंकड़ों, डेटा बहुत छोटे हैं, कोई खास नहीं, ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, दोनों ही इसलिए मैंने न्यूट्रल रखे हैं, कोई भी डेटा ऐसा कोई खास बड़ा है नहीं, तो मतलब न्यूट्रल है, कल देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। सर FNO के हिसाब से निफ्टी, FNO के हिसाब से निफ्टी में बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए निफ्टी में प्रीमियम घटकर रहेगी 9 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी तो कल 20 पॉइंट के डिस्काउंट पर बंद हुआ है, जो 55 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम थी, तो आज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ज्यादा बढ़ेंगे कैश में बढ़ने के बजाय, तो फ्यूचर्स में डिस्काउंट भी जाएगा प्रीमियम भी आएगी ये मानकर चलिए, तो 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट का फायदा तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन पे जिन्होंने कल बनाई है उनको वैसे ही हो जाएगा, कैश में कम होगा फ्यूचर में ज्यादा फायदा होगा उसकी मुझे खुशी है, पहली चीज। पुट कॉल रेशियो 1.14 पर है जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल है एकदम लॉन्ग करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए आज ये बढ़कर आएगा। अब आइए 11799 लेवल क्यों है, क्योंकि 33 लाख शेयर हैं पुट में और 27 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो जैसे ही आप 11700 के ऊपर टिकेंगे तो जो लोग कॉल बेच कर बैठे हैं वो थोड़े तनाव में आएंगे, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और ख़ासतौर से कल एक्सपायरी के पहले है, तो इसलिए 11700 के ऊपर टिके रहना आपका जरूरी है। ऊपरी स्तर पर 11800 अगला अहम लेवल है, 39 लाख शेयर हैं कॉल्स में, उसे पार करना आसान नहीं होगा, थोड़ा आप वहाँ पर जाकर रुकेंगे, और 11600 इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ 32 लाख शेयर होगा, तो क्लियर कट है 11600 11800 रेंज है, 11700 निर्णायक लेवल हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी, 30200 अहम सपोर्ट है जहाँ 4 लाख शेयर हैं पुट में वीकली एक्सपायरी में, तो 30200 30250 आपके लिए बेहद अहम सपोर्ट है, बैंक निफ्टी तोड़ेगा नहीं, 30500 के पार निकलते ही एक्शन शुरू होगा, क्यों होगा डीपी ये जरा गौर से सुनिएगा, 30500 के पुट पर 5 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 8 लाख शेयर हैं, जिसमें से 6 लाख शेयर वो कॉल राइटिंग है जो कल वीकली सीरीज की हुई है, आज आप 30500 30550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो जो 6 लाख शेयर कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी के ये रिस्क पे आ जाएंगे, इन्हें शॉर्ट कवरिंग करनी है। 30500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू करते हैं या 30625 के 50 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, अगर 30500 से शुरू कर देंगे तो 30650 ले जाएंगे, 30650 से शुरू करेंगे तो 30850 ले जाएंगे, इनको ऊपर ले जाना है बैंक निफ्टी को, और उसके बाद एक तो ये हैं और दूसरा जी बिजनेस के व्यूअर हैं
जो बैंक निफ्टी खरीदेंगे और कल से खरीदेंगे, तो वो ये दोनों मिलकर बैंक निफ्टी को 30,900 की तरफ ले जाने को तैयार है, जो मेरे ख्याल से कल परसों तक के टारगेट आने चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर पीसीआर और विक्स पे कुछ कहेंगे? बस ठीक है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, ठीक है। अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे, तो आज का स्टॉक ऑफ द डे देखते हैं। बताइए सर, आज स्टॉक ऑफ द डे है ही नहीं, बिल्कुल तो आपने बजा दिया। तो स्टॉक नहीं है सर, इंडेक्स ऑफ द डे। इंडेक्स ऑफ द डे, आज बैंक निफ्टी खरीदने की राय, कल के 2000 में जो हमने कल मेरे ख्याल से 30,250 के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी, 30,150 का स्टॉप लॉस है, तो कल जिन्होंने खरीदा 125 पॉइंट, तो ऑलरेडी वो ऑलरेडी गेन प्रॉफिट में है। अब भी खरीदना, वो भी डिस्काउंट के साथ, वो भी डिस्काउंट, और अब भी खरीदना चाहिए, अब भी खरीदना चाहिए। मैं फिर कहूंगा ये कल के 2000 का जो कॉल दिया था वो कल 2000 वाला नहीं है, ये 20,000 का है कॉल है। सही बात है, और ऐसे कॉल्स कम मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। जैसा शॉर्ट कॉल पिछले 7 दिन पहले आया था पिछले मंगलवार को, वैसा ही बढ़िया लॉन्ग कॉल कल आया है। मुझे लगता है कि 30,800-30,900 तक के बड़े मुनाफे के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें ज़्यादा बढ़िया है, या अपनी कोस्ट का कर लें, भले एक ट्रेड में कभी पैसा ना भी बने चले, लेकिन जहां मुझे अगर कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्लियर कट ट्रेंड दिखा है कि बैंक निफ्टी एक बढ़िया उछाल दिखा सकता है, तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलें। तो बैंक निफ्टी 30,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है, 30,500, 30,625 और 30,850, ये तीन टारगेट हैं। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी के टारगेट हो गए। एक एक्सक्लूसिव खबर भी है, बिल्कुल, तो वो भी हम आपके सामने थोड़ी देर में बताने की तैयारी में है कि एक बढ़िया और बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है, वो है जीएसटी काउंसिल को की मीटिंग को लेकर, जो 21 तारीख को होने वाली है। हाँ, 21 तारीख को होने वाली, तो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं बड़ी ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव खबर लेकर। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़े कई सारे डिसीजंस हैं, पर जो सबसे बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर है। और आपको याद होगा अनिल जी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत सीरियस है, उसको पुश करने में लगी हुई है। तो अब जो जीएसटी काउंसिल में होने जा रहा है वो ये कि जो टैक्स लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, वो पूरा जीएसटी रेट 12% से सीधा 5% कंसिडर करने की बात हो रही है। दूसरा, ईवी चार्जर पर भी 18% से जीएसटी रेट घट के 12% करने की बात कर दी है। और तीसरा, एग्जेम्पशन जो लेवी होता है जीएसटी व्हीकल्स पर, अगर हम हायर करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस तो लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू वहां पर भी रियायत मिलेगी। बेसिकली नेट नेट पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। जो स्टेप्स पहले उठाए थे उससे पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग किक इन नहीं हो पा रही थी, जबकि आपको याद होगा ऑलरेडी 12% कर दिया था जीएसटी 28% के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, बट आप जाके 5% कर रहे हैं, 12 से सीधा 5%, विच इज अ बिग बिग बूस्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये बड़ा डिसीजन लेने जा रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक जो होगी 21 तारीख को, और ये सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी रियायत होगी, क्योंकि पार्ट में भी तकलीफ आ रही थी। लोग कह रहे थे कि व्हीकल आप सस्ती कर रहे हैं बट पार्ट महंगे हैं, तो इफेक्टिव प्राइस महंगा पड़ता है कंज्यूमर को, तो डिमांड नहीं उठेगी। अब क्योंकि ये होलिस्टिक व्यू में लिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इन सब के लिए बहुत बहुत फायदा होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट का पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो 21 तारीख की बैठक में ये एक बड़ा फैसला होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देने के लिए, जीएसटी की दरों में कटौती होगी, तो सबसे बड़ी कटौती, सबसे बड़ा फायदा अगर कहीं होना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को होना है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कहती हुई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में होने की तैयारी में है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्शन वहां पर होता है। लेकिन इस बीच पूरी टीम तैयार है आपको बताने के लिए वो तमाम शेयर जहां खबरों के दम पर आज एक्शन दिखेगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। रजत और पूजा आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर और देवांशी बताएगी आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो शुरुआत कौन कर रहे हैं रजत आप? जी बिल्कुल, और वो जेट एवेस एनर्जी एनर्जी क्योंकि आपने देखा तो ये शेयर तो लगभग खत्म ही हो गया। जेट एवेस 40% कल के सत्र में टूटता हुआ नजर आया था एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये कि एनसीएलटी में ये जो जेट एवेस का मामला चल रहा है इसकी सुनवाई है, कि इसकी अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी अर्जी दे रखी है उसके ऊपर क्या कुछ आज एनसीएलटी में आउटकम निकल के आता है। लेकिन अहम दिन आज जेट एवेस के लिए फिर से समझें। साथ साथ जैन इरिगेशन एक और स्टॉक जहां पर कल के सत्र में हुई थी पिटाई, लेकिन बाजार जैसे ही बंद हुआ वैसे एक खबर यहां पर ये आ गई कि इंडिया रेटिंग्स ने इनकी लंबी अवधि की जो रेटिंग है उसको घटा दिया, BBB कर दिया इस रेटिंग को, और ऊपर से जो आउटलुक है उसको घटाकर रेटिंग वॉच नेगेटिव पे रख दिया।
तो एक और नेगेटिव खबर जय इरिगेशन के लिए, हालांकि कंपनी ने सफाई भी दी कि हमने किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। इसके अलावा कैनरा बैंक फोकस में इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि कैनफिन होम्स में हिस्सा बेचें और उसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कैनफिन होम्स में कैनरा बैंक का फिलहाल 29.99% हिस्सा है और ये हिस्सेदारी बैंक ये कह रहा है कि सही समय पर बाजार की स्थिति को देखकर बेची जाएगी। तो आज कैनरा बैंक, कैनफिन होम्स जैसे जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे। MCX और BSE दोनों पे एक बड़ी खबर ये आई है कि कॉमोडिटी के इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है। कई नियम हैं, कई शर्तें हैं जो इसमें रखी गई हैं, लेकिन कॉमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गई है और ऊपर से BSE ने सेबी से परमिशन मांग ली है। इन्होंने कॉपर के डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम के भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मंजूरी दे दे सेबी। तो दो खबरें हैं, एक तो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करना चाहता है BSE और ऊपर से ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स कॉमोडिटी बेस्ड इनको मंजूरी मिल गई है सेबी की ओर से। NMDC यहाँ पर प्रोडक्शन के आउटपुट के फिगर्स आए हैं, मई में आयरन ओर उत्पादन जो 21 लाख से बढ़कर 30 लाख टन हुआ है, ऊपर से जो बिक्री फिगर्स रिपोर्ट की गई हैं मई महीने में वो 23 लाख टन से बढ़कर 33 लाख टन वायनवे बेसिस पे पहुँचती हुई नजर आई है। और एक क्विक हील की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, कल अटकलें ये थी कि प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सा बिक्री करी है, लेकिन ये कहा गया है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर्स नहीं बेचे हैं, उन्होंने शेयर्स बायबैक में टेंडर किए हैं। उनका ये कहना है कि 42,70,000 शेयर्स टेंडर किए गए हैं और इसके बाद बायबैक के बाद कुल मिलाकर देखें तो प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ी है 72.32% से बढ़कर 72.83% हो गई है। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, लेकिन इनके अलावा भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं। पूजा बताइए और किन किन शेयरों पर नजर है आज? जी, बैंकिंग शेयरों पर आज नजर रखिए, शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक के साथ करेंगे। यहां पर इंडिया रेटिंग्स ने 6,750 करोड़ का जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड था उसकी रेटिंग घटा दी है, रेटिंग A+ से घटाकर A की दी है और आउटलुक भी नेगेटिव रखा है। यहां पर पिछले 2 साल से PNB का ROA जो नेगेटिव था और इसके अलावा जो पूंजी के हालात है वो भी काफी कमजोर है, तो उसके चलते ये आउटलुक नेगेटिव दिया है और रेटिंग घटाने का फैसला लिया है। तो आज PNB पर इसका एक रिएक्शन देखने की उम्मीद है। इसके अलावा भी तमाम बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए क्योंकि खबर आ रही है कि शुक्रवार को RBI की तरफ से कुछ घोषणा हो सकती है। मुद्रा लोन स्कीम के तहत जो पहले 10 लाख की लिमिट थी अब वो बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी। इसके चलते बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए क्योंकि जब ये स्कीम अनाउंस हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बैड लोन देखने पड़ गए थे बैंकों को, और अब ये जो 20 लाख की लिमिट बढ़ा दी गई है तो और बैड लोन देखने को मिल सकते हैं बैंकों में, और ये जो लोन होता है इसके सामने कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो इस वजह से इतने सारे NPS देखे गए थे। तो ये जो खबर आएगी शुक्रवार को घोषणा संभव है, आज तमाम बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ प्रमोटर एक्शन भी देखे गए हैं, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर ने गिरवी रखे शेयर छुड़वा लिए हैं। अदानी ट्रांसमिशन से शुरुआत करते हैं, प्रमोटर ने करीब 17 जून को 29 लाख शेयर गिरवी रखे थे जो कि छुड़वा लिए हैं, और अदानी एंटरप्राइजेस में भी प्रमोटर ने 14 से 17 जून के बीच 19 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़वाए। और आर्चीज में प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है शेयरों की, 17 जून को ओपन मार्केट में प्रमोटर ने करीब 1.3 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है। आर्चीज में प्रमोटर्स ने खरीदारी की, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। खरीदा कम है, 1,33,000 शेयर, लेकिन फिर भी खरीदा है, ये इंटरेस्टिंग है। आइए अब नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पर। देवांशी, हैं कुछ दमदार रिपोर्ट्स? सर टाइटन, अब देखिए UBS ने सबसे ज्यादा टारगेट्स यहाँ पे दिए हैं और 1600 तक के नए टारगेट्स वो दे रहे हैं। अब तक किसी ने भी इतने बड़े टारगेट्स नहीं दिए हैं टाइटन को लेके, तो 1600 तक के टारगेट्स दे रहे हैं 1250 से बढ़ाकर, और वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से आक्रामक ग्रोथ की रणनीति कंपनी की बनाई हुई है वो उनको बहुत ज्यादा बुलिश लग रही है। मैनेजमेंट का भरोसा काफी है ज्वेलरी सेगमेंट को लेकर और साथ ही वॉच सेगमेंट को लेकर, इसी के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है। मार्केट शेयर में बढ़त जारी रहने की उम्मीद है उनकी। FY23 तक ज्वेलरी सेगमेंट का मार्केट शेयर 13.5% से बढ़कर 20.5% होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, और बुल केस में उनके जो टारगेट्स हैं वो 1800 तक के हैं, डाउनसाइड उनको 900 पर लिमिटेड लग रही है। भारत फोर्ज पर CLSA की नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है जहां पे बिकवाली की सलाह उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य उन्होंने घटा दिया है 420 से घटाकर 390 तक के कर दिए, और वो मानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पे उनको एक साथ धीमापन का रिस्क लग रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, ट्रक एक्सपोर्ट और साथ ही घरेलू ट्रक्स की जो मांग है वो काफी धीमी होती हुई दिख रही है, तो मंदी का खतरा उनको तीनों क्षेत्र में लग रहा है। इंडिगो पर बहुत वाइड रिपोर्ट्स है, मॉर्गन स्टैनली बहुत ज्यादा बुलिश है, ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, 2132 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, मार्केट शेयर में लगातार बढ़त होने की उम्मीद है और कंपटीशन कम होने से कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। वहीं सिटी मानता है कि अभी भी क्षेत्र की जो हालात है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, बिकवाली की राय इंडिगो पर दे रहे और 1300 तक के लक्ष्य अभी भी बरकरार रखा है, और साथ ही टाटा पावर पर इंडिगो पे एक चीज बताइए देवांशी, पहली बार किसी की 2000 के पार की रिपोर्ट है, बिल्कुल है ना,
1900 तक आई थी कल 2000 तक 2000 के बाद की पहली रिपोर्ट 2000 के ऊपर की पहली रिपोर्ट है। तो इंडिगो और साथ ही टाइटन ये इन दोनों पर टाइटन भी 1600 रुपए का टारगेट बढ़ा और बुल केस में 1800। हालांकि यूबीएस को इतना फॉलो नहीं किया जाता लेकिन फिर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट काफी काम की। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और काफी खरीदारी भी क्वाली होती है। मॉर्गन स्टैनली ने बताया था कि 95 तक यस बैंक भी आ जाएगा और कल यस बैंक भी टूटा वापस से 95 रुपए। हाँ, 95 डबल डिजिट में आ गया। डबल डिजिट में हालांकि शेयर नहीं आया, आ रहा है वो धीरे। हमारे कुणाल जी राकेश जी कब से दे चुके हैं? कुणाल जी राकेश जी 134-135 पे दे चुके हैं जिस दिन ओपनिंग हुई थी, आपने उनसे सवाल पूछा था। जी हाँ बिल्कुल, चलिए जी और बताइए। सॉरी हाँ, और साथ ही सिटी का टाटा पावर पर रिपोर्ट है जहाँ पे उनको लगता है कि उन्होंने रेटिंग भी बढ़ा दी है और अब खरीदारी की राय दे रहे हैं 76 तक के टारगेट्स। बुल केस में उनको लगता है 100 तक भी पहुँच सकता है ये शेयर, क्योंकि जिस तरह से मुद्रा यूएमपीपी का समाधान जो है वो अगले 3 से 6 महीने में होने की संभावना उनको दिख रही है। और साथ ही सीएलएसए की आईटी पर आज अच्छी रिपोर्ट आई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये टीसीएस ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बताया था कि टीसीएस अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और अब ब्रोकिंग हाउस मानता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक नया वेव है, इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। डिजिटल में 10% से ज़्यादा का आय का योगदान होता है और एचसीएल टेक, टीसीएस ये दोनों कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनाने के लिए ये दोनों कंपनियाँ तैयार है और एचसीएल टेक, तो ये तीनों कंपनी पर फोकस कीजिए। अगर 10% से ज़्यादा की ग्रोथ आती है इस सेगमेंट में तो री रेटिंग की भी संभावना जो है उनको लग रही है। चलिए तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ में स्टूडियो में हमारे दो मेहमान हैं, विश्वेश चौहान साहब और संदीप वागले साहब आ चुके हैं और दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल सरावगी साहब और राकेश बंसल साहब। आप सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बिगुल बजाइए पिक ऑफ द डे का और उसके बाद करते हैं शुरुआत। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले क्या खरीदना है बताइए? एसआरएफ। क्या बात है, कल के दिन में सर जिस अच्छा, पहले तो ये आपने पूछा नहीं, मैंने ये कैसे पूछा क्या खरीदना है क्योंकि सारे चार्ट्स में तो अभी तक तो सबको नेगेटिव ही होगा। आप अंतरिया में मैं क्या बोलूंगा तो एसआरएफ खरीदेंगे जी बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि सर आप गए थे तो इंडिया को जितवा के आए हैं, अब आप आए हैं तो निफ्टी को ये क्रेडिट मैं ले रहा हूं, आप दे रहे हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर रहा, हालांकि इसमें मुझे पता है मेरा योगदान कुछ। आप क्यों नहीं देखते? कल मैं जी बिजनेस नहीं देख रहा था, कल मैंने बैंक मतलब मैं कुछ और काम में था लेकिन मैंने बैंक निफ्टी बाय दिया था। सिमिलर लेवल है, सिमिलर रीडिंग है और हमने बैंक निफ्टी में जो स्प्रेड दिया था इतना बढ़िया स्प्रेड था सर, हमने क्या किया था। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, डिम्पी जी मुझे पूछे मैं दे नहीं पाया, कैसे कर लेते हैं सर आपके साथ? अब सवाल का जवाब मिल गया, मैं विश्व जी के साथ रह के कर पा रहा हूँ। बताइए सर। सर कल 272,000 शेयर फ्यूचर्स में ऐड हुए हैं, बच्चे 33% हुआ है एडिशन। अभी भी फ्यूचर डिस्काउंट में 1.5 रुपए का डिस्काउंट है और देखने वाली बात है ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक पहुंच गया है और बहुत मेजर ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से एसआरएफ में अगर आप आज खरीदारी करते हो तो आपका स्टॉप लॉस पोजिशनल के पर्सपेक्टिव से 2955 का रहेगा, टारगेट रहेगा 3150 और 3200। अगर आप डे ट्रेडर हो और आप छोटे मुंह के लिए बाई कर रहे हो तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2180 का भी आप रख सकते हो, 2980 का भी रख सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कल के दिन में एसआरएफ में जो डिस्काउंट हुआ है और जिस हिसाब से वॉल्यूम एडिशन हुआ है 0.44 का ही पीसीआर है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा यू नो कॉल राइटिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग होना बाकी है स्टॉक में। बिल्कुल, बहुत मजबूत स्टॉक है, 3000 के ऊपर बंद हुआ है, क्या कहने। चलिए वागले साहब को भी पूछ लेते। वागले साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो दूंगा नहीं क्योंकि वो मतलब पुरानी बात हो चुकी है। पुरानी हो गई बिल्कुल। मैं एक सजेशन दूंगा। हाँ बताइए। सजेशन ये है कि आपको आपने इंडिया को जो फाइनल से भी इम्पोर्टेंट मैच जितवा दिया, हमारा तो हो गया वर्ल्ड कप, एक्चुअली वर्ल्ड कप भी तो आना चाहिए। हाँ तो वो भी आएगा ना, वो लिया से आप लंदन शिफ्ट हो जाइए हमको लेके जी बिजनेस को रिक्वेस्ट करिए एक स्टूडियो हायर करे नहीं 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 वर्ल्ड कप आ जाएगा और जरूरत होगी तो फिर से लेने जाएंगे लंदन। हाँ, ऐसी क्या बात है। हाँ, वो भी बिल्कुल जरूर होगी, आप फाइनल में पहुंचने दें। हालांकि हमने आपको काफी मिस किया, बुल्स ने आपको स्पेसिफिकली काफी मिस किया नहीं नहीं ठीक बात है, लेकिन डिम्पी और रजत ने अच्छा क्या बोलते हैं जिसको जबरदस्त कमाल किला लड़ाया जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, आप सब लोगों का साथ है तो फिर क्या कहने। बिल्कुल, तो अच्छा स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि मेरा भी एसआरएफ ही है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मोर द मेरियर। और आपको बता दूं, मुझे पता नहीं बाकी लोगों ने किया लेकिन कल डिम्पी ने 2930 पे स्पॉट किया था
बराबर लेवल्स बता रहा हूँ डिम्पी, वही लेवल्स से सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने 3000 का टारगेट दिया था और दिन में दो बार हमने इसका जिक्र किया। अभी 3010 के क्लोजिंग पे मैं वापस रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब आप स्ट्रेंथ देखिए। और विशेष मेरे साथ है तो 2978 का मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने कल कहा था इसको पोजिशनल व्यू पे लीजिए, 2 से 3 दिन में अच्छा खासा मुंह देगा। इसमें सिर्फ एक ही डिफिकल्टी अनिल जी, वो इसका जो वोलेटिलिटी है वो हैंडल करना, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखे। मेरा 2978 का स्टॉप लॉस 3114 लंबा का है, आपसे लंबा तो इनका है। 2955 टारगेट 3114 3114 तो मिलने चाहिए ऊपर, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है और बहुत ही मजबूत स्टॉक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टॉक आपने सही ढूंढा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक खबर है सेल टेक की, इंडिया उन्होंने करार किया है, ये डिजिटल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए करार हुआ है। अब वैसे टीम को, किसी भी क्रिकेट टीम को डिजिटल सर्विसेज किसके लिए चाहिए होती है? नहीं नहीं, बहुत जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है आजकल? तो बहुत जरूरत होती है आजकल। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए, कौन प्लेयर कितनी बार किस कंडीशन में किस तरह की बॉल्स पे आउट हुए हैं, मतलब हर चीज का मतलब एनालिसिस नहीं, ओवर एनालिसिस होता। मतलब इस बार ही देखिए विराट कोहली का जो एनालिसिस आया था कि विराट कोहली है स्कोर्ड लोएस्ट व्हेन द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, इसके लिए इन लोगों ने क्या लेवल का डेटा मेंटेन किया होगा? गजब का, मतलब सारे बॉल का पिचिंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, अमेजिंग। और क्रिकेट मतलब हर आदमी का गेम आप इस लेवल तक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, टेक्निक कम हो गई है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा, हाँ ग्रेजुअली टेक्निक की जगह टेक्नोलॉजी। हालांकि ये अलग बात है कि भले आप सॉफ्टवेयर में कितना ही कुछ कर लें, हमारे सबके पास डेटा दिखते हैं, सारे सॉफ्टवेयर सबके पास है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का डायरेक्शन आपको प्रेडिक्ट करना है। वैसे आप विराट कोहली को कितना भी आप एनालिसिस कर लें, अल्टीमेटली बॉल उस जगह डालनी है जहाँ विराट कोहली गलती करेगा, राइट? तो वो तो अपनी जगह, थ्योरी और प्रैक्टिकल तो अपनी जगह है, लेकिन ये है जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है जहाँ पैसा है वहीं तो पैसा मिलेगा, सही बात है। क्रिकेट में जितना पैसा है उतना पैसा कहाँ है, तो एचसीएल टेक के लिए तो यूएस वगैरह में आप देखेंगे बेसबॉल और बास्केटबॉल में जो स्टेटिस्टिक्स मेंटेन होते हैं, अगर आप क्वार्टरबैक थ्रो कर रहे हो और क्वार्टरबैक में आप जब थ्रो कर रहे हो और आपके फ्रंट साइड में अगर एक ही सर्वाइवर है बॉल पकड़ने के लिए, तो चांसेस ऑफ बास्केट इज एज हाई एज 99%। इस तरह के डेटा थ्रो होते हैं, तो मेरे गजब का डेटा एनालिसिस क्रिकेट में भी वही चीज इनकॉर्पोरेट होती है, जिसको बिग डेटा कहते हैं। बिग डेटा तो आज एचसीएल टेक के लिए फिर अच्छी खबर है, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट टीम को इनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगी। तो वैसे भी डे हाई पे बंद हुआ है आज, इसके लिए भी पॉजिटिविटी। दिल्ली चले? दिल्ली चल सकते हैं। तो चलिए पहले बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले तो वारावार तो मैं भी नहीं दूंगा अनिल जी, बट एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अब तो चीज टाइम टेस्टेड हो गई है। जब आपने जी बिजनेस ज्वाइन किया था उससे पहले ग्लोबल क्यूज नेगेटिव थे और उस दिन मार्केट ने आपको मतलब की सलामी दी थी और मार्केट ऊपर गया था। कल भी देखिए अनिल जी, कल मार्केट में सब लोग पैनिक में थे, हम मैं बागले जी कुणाल जी, हम लोगों ने तो कल मंदी की कॉल दी नहीं बिल्कुल भी, निफ्टी पे बोला वेट एंड वॉच कीजिए और आपने एकदम अनिल जी बॉटम पे बोला था और बैंक निफ्टी ने एक रैली दी। Wonderful. और आप अनिल जी देखें तो मंदी को तेजी की दुआ मिली अनिल जी जैसे ही आप इंडिया में लैंड हुए। और अनिल जी आप जैसे ही इंडिया में लैंड हुए तो ऐसा लगा कि जैसे कि निफ्टी को दवा दारू मिल गई अनिल जी, ऑक्सीजन मिली है, दवाई अब आएगी और बाकी कितनी चीजें डिम्पी जी हैं। तो चलिए कम से कम हमने कोमा से निकाल के निफ्टी को है ना वो वार्ड में शिफ्ट कर, वार्ड में शिफ्ट कर लिया। बताइए सर क्या खरीदना है फिर आज? देखिए अनिल जी आज तो कोई संशय होना नहीं चाहिए, आज तो निफ्टी को खरीदने की राय है। छोटा सा स्टॉप लॉस 11,675 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 11,756 पहला लक्ष्य होगा। 11,675 का स्टॉप लॉस, 11,756 और ये लेवल क्या है? कैश है फ्यूचर्स है अनिल जी? स्पॉट अनिल जी, स्पॉट 11,691 पे बंद हुआ। वाह सिर्फ 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वेरी गुड। चलिए मैं सोच भी रहा था आज दूसरा स्टॉक जो आज जब मैं दूंगा आज का हीरो, तो मैं सोचा था निफ्टी बाय कॉल दूंगा, अब मैं चेंज कर लेता हूँ निफ्टी, चूंकि बंसल जी ने दे दिया तो 11,756 तो आना ही है। आइए कुणाल जी से भी पूछे थे, जैन साहब भी अब हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बताइए सर आपको क्या खरीदना है? खरीदेंगे ही ना? अरे अनिल जी, अनिल जी आप लौट आए यही बहुत बड़ी गनीमत है। इसमें डाउट क्यों था? मैं तो आने ही वाला था, मेरे प्रोग्राम तो फिक्स था, आपको ऐसा क्यों लगा 7 दिन में आऊंगा नहीं वापस? अनिल जी एक एक दिन भारी हो रहा था हमारे लिए, यहाँ पर गाली छाई हुई थी और मैंने डिम्पी जी की अदालत में एक याचिका दायर की थी जनहित में,
मुझे पता चला लिटिगेशन कि आपको तुरंत वापस बुलाया जाए। ये तो डीपी जी ने सर, जो पुराने जमाने के कोर्ट्स होते हैं उनकी तरह तारीख पे तारीख देते जा रहे थे और आपके आने में देर होती जा रही थी, तो इससे जो है तकलीफ हो रही थी अनिल। एक ही तारीख दी सर मैंने आपको। एक बार बताइए लंदन कैसा लगा आप? अरे बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने लंदन में एक नारा सुना वहाँ पे, एक नहीं दो, मतलब इंडिया इंडिया और जीतेगा भी जीतेगा हिंदुस्तान जीतेगा वो सब तो ठीक है, एक तो इंकलाब जिंदाबाद भी सुना वहाँ पे और उससे भी ज्यादा एक तगड़ा नारा सुना मैंने, अंग्रेजों इंग्लैंड छोड़ो। मतलब ये तो अल्टीमेट था कि कोई इंग्लैंड में हिंदुस्तानी नारा लगा रहा है, अंग्रेजों इंग्लैंड, मतलब पूरा लंदन मैनचेस्टर ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान, मतलब आप ये देखिए। आपको एक जी जी कुणाल जी, एक अनिल जी आपको जानकारी देनी है कि आपकी जो तस्वीरें लंदन से जो यहाँ पर सबको दिखी हैं उसके बाद आप एक फैशन आइकन हो गए हैं। मेरे पास करीबन तीन चार लोगों के फोन आए जानने के लिए कि अनिल जी शॉपिंग कहाँ से करते हैं, ये लाल जैकेट जो अनिल जी ने पहनी है कहाँ से खरीदी है, कौन सा ब्रांड है, पता करके बताइए। अरे मैं मतलब मैं ये तो यूनिफॉर्म पहनता हूँ सुबह शाम, जो मेरा सूट है ये हमारी वर्दी है एक तरह से कह सकते हैं, उसके अलावा तो हम भी ढंग के कपड़े ही पहनते हैं ऐसा थोड़ी है, लेकिन नहीं कुल मिलाकर ये वाकई में हिस्टोरिकल मोमेंट है, लाइफ टाइम याद रखने लायक, तो अच्छी मेमोरीज। मैंने वागले साहब 15 महीनों बाद छुट्टी ली, मैंने 2 अप्रैल 2018 को जी ज्वाइन किया था, उसके बाद खाली पिछले हफ्ते एक दिन बीमार हुआ था तो वो छुट्टी ली थी, वो मेरी अकेली छुट्टी थी और अभी मैंने नहीं थी, वो हाँ मतलब वो भी एक दिन की, लेकिन मेरी ये पहली वेकेशन थी जो, हालांकि उसमें भी मैंने 2 दिन लाइव तो कर ही लिया था वहां से। पर अनिल जी लेकिन मैं ये वेकेशन मानता ही नहीं, आप तो कुछ मोटो से गए थे। और वैसे वहां से लाइव भी किया, मिशन इम्पॉसिबल बिल्कुल। आइए कुणाल जी बताइए अपना स्टॉक। अनिल जी आज खरीदने की राय है और खरीदना है हेवल्स, जिस जो आपके भी दिल के करीब स्टॉक है और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है, पिछले कुछ 3-4 दिनों से हमने करेक्शन आते हुए देखा है, चार्ट्स पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न पूरी तरह तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको दोबारा से तेजी बनते दिखेगी, तो यहां पर 795 रुपए के टारगेट से बाय करें और कल का जो डे लो है 764 इस पर एक स्टॉप लॉस। चलिए तो ये है आपके लिए हेवल्स में खरीदारी करने की राय। जयपुर वाले जैन साहब भी आ गए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग सर, बताइए जैन साहब क्या करना है आज, क्या खरीदेंगे? नहीं नहीं खरीदने की बातें तो बाद में करेंगे अनिल जी, पहले तो आपकी थोड़ी सी, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि लास्ट में मेरा चांस आता है और जिस दिन अच्छा मौका होता है आपके बारे में अच्छी बातें करने का, तो उस दिन जब लास्ट में आते ना तो सारी बातें पहले कह दी चुकी होती। अरे मुझे पहले पता होता मैं सबसे पहले आपसे ही करता शुरुआत, मतलब मैं तो चाहते ही अच्छा बोलने वाले लोग आए। इस बार लॉटरी कीजिए, इस बार थोड़ा थोड़ा टॉस अलग अलग तरीके से कीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि काफी अच्छी बातें वागले जी ने कह दी, काफी अच्छी बातें बंसल जी ने कह दी और कुणाल जी ने कही है जी। और बंसल जी ने जो कहा लास्ट अप्रैल में, एक्चुअली मुझे याद है, देखिए आप 2 अप्रैल को जब ज्वाइन किए थे लास्ट ईयर और 5-6 दिनों में एक अच्छा माहौल बन गया था और फरवरी से लेकर मतलब जनवरी 6 तारीख से जो एक अजीब सी एक मिड कैप में जो एक वो आई टूटा ताना शुरू हुई जी। फिर बाद में जनवरी 16-18 तारीख के बाद नॉन स्टॉप मार्केट टूटा, फिर अप्रैल में कहीं ना कहीं विराम आपने दिया और जब से मार्केट अच्छा चलने लगा था फिर वापस से आपने एक बार 2-3 दिन बीच में बुखार हुई थी तब छुट्टी ली, फिर आप लंदन गए, अब लंदन से आने के बाद देखिए आप क्या हो रहा है कि कल मार्केट थोड़ा थोड़ा पहले ही डर के ठीक हो गया लास्ट में जाते जाते और आज तो अच्छा खासा खुलने के पूरे चांसेस है ही हैं। सो अनिल जी ऐसे मत जाइएगा, पर ठीक है हॉलीडेज लेना भी जरूरी है, आपने मिशन पूरा किया लंदन का, इंडिया को जितवाया, सो एवरीथिंग वॉज एक्सेलेंट, सो नाउ आई थिंक अब मार्केट्स चलने चाहिए, बजट तक अच्छी प्री बजट रैली आए और थैंक यू सो मच। एंड मेरी जो पिक है वो LTTS है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मुझे ऐसा लगता है कि काफी कॉशियसली अब कहीं ना कहीं मिड कैप्स, लार्जर मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में काम करना चाहिए अच्छी पेडिग्री, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखिए एनालिसिस फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की तो क्या है बहुत इजी होती है करना, बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एनालिसिस सबसे बड़ा चैलेंज हो गया जिस तरीके से कई कंपनियां इन दिनों में सामने आई है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जहां डेट्स नहीं हो, जहां पे प्रोमोटर्स की स्टेक्स प्लेज नहीं हो, क्वालिटी कंपनी हो, पेडिग्री क्वालिटी हो, सब कुछ बहुत ज़रूरी है अब देखना, और मुझे ऐसा लगता है ये एक कंपनी है उस
सारे तर्ज पे कहीं ना कहीं सूट करती है। मैंने पहले भी काफ़ी बार रिकमेंड किया, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में से है, और मुझे लगता है कि L&T इन्फोटेक LTTS दोनों जो जुड़वा हैं, दोनों बेहतरीन कंपनी हैं, और LTTS पे बिल्कुल बाइंग करके चला जा सकता है। चलो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, ये नाम मैंने भी आज पहली बार सुना, शॉर्ट फॉर्म मेरे काम आया, पहली बार समझ ही नहीं पाया कि पता नहीं कौन सा शेयर बोल रहे हैं। हाँ, LTV जैन साहब के भी अपने स्टॉक्स रिकमेंड करने के अपनी टेक्निक है अलग, तो उससे क्या लोगों को याद रह जाता था, LTTS याद रहेगा हमें। चलिए आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। जैन इरिगेशन, ये जैन इरिटेशन हो गया ऐसा लगता है, इरिटेशन ही हो गया, बिल्कुल इरिटेशन है सर। और मुझे याद है कि एक बार तो मेरे जाने के पहले शायद सोमवार या मंगलवार को कुणाल जी ने शॉर्ट कॉल दिया था, कुणाल जी राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर पे या किसी पे दिया था, विश्वेश के और विश्वेश जी ने भी दिया, आपने भी दिया। मैंने सर 6 जून को 47 पे कहा था कि स्टॉक वहां से जिस तरह से गिरना चाहिए आधा हो जाना चाहिए, आधा हो गया था। और कुणाल जी आपने भी दिया था शॉर्ट कॉल इस पर? बिल्कुल अनिल जी, हम लोगों ने इस पर बिकवाली की राय दी थी। हाँ। और बहुत अग्रेसिवली बेचने को कहा था, और उसके बाद देखिए स्टॉक में लगातार तीव्र गिरावट देखने को मिली। कई सारे स्टॉक्स अनिल जी आपके जाने के बाद ढेर हो गए हैं, बिल्कुल उसमें एक जैन इरिगेशन है, और जो बहुत समय से रुके हुए थे स्टॉक्स जो कि हम वेट कर रहे थे कि कब गिरेंगे, वो सबके सब पिछले सप्ताह में गिर गए हैं। तो जैन इरिगेशन 2700 रह गया अनिल जी, जैन इरिगेशन चले, ढेरों शेयर ढेर हो गए। अब मेरा सवाल अब आज थोड़ा अलग है, इंडिया रेटिंग से इनकी रेटिंग घटाई है, BBB की, और साथ ही इनको रेटिंग वॉच लिस्ट पर नेगेटिव साइड पर रखा है। दो सवाल हैं, पहला तो ये कि विश्वेश जी इसमें जहां जिन लोगों की शॉर्ट है उस शॉर्ट को कहां काटना चाहिए, ठीक है वो बताइए। और दूसरा सवाल कुणाल जी आपसे है, ये अगर आज चूंकि खबर आ गई, खबर आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, तो नीचे खुले तो शॉर्ट कहाँ काटनी वो विश्वेश जी बता रहे हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो वापस कब और कहाँ बेचना है वो आप लेवल निकाली। विश्वेश जी पहले तैयार हैं? मेरे हिसाब से कल के लेवल में एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई थी कि लोअर लेवल पे देखेंगे तो लो बना है 2430 और क्लोज आया है 2740, तो अगर 2430 से 27 का क्लोज आया तो 10% तो लोअर लेवल से ये डेफिनेटली रिकवर हुआ था। तो अगर मेरे हिसाब से पोजिशनली स्टॉक यू नो 33 के ऊपर जाता है तभी शॉर्ट काटना चाहिए, उससे पहले शॉर्ट नहीं काटना चाहिए 33 के पहले। हाँ, क्यों, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्ट पहले से है, अगर किसी ने शॉर्ट यू नो 30 की रेंज में किया है तो उस सूरत में ये जो 2995 है, 2995 के ऊपर जाए तो शॉर्ट काट लेना चाहिए। 29 मुझे ये बताइए कि ये देखिए 160 रुपए का शेयर 27 रुपए रह गया, लगातार गिर रहा है, सबके सामने गिर रहा है, हम सब इसको लेकर चिंता कर रहे हैं, और रेटिंग एजेंसी अब जाकर के इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रही है। हाँ तो गलत क्या है? अरे जी इतना लेट, इतना बिहाइंड द कर्व क्यों होते हैं रेटिंग एजेंसी? आपने पहले कोई पिक्चर देखी नहीं बॉलीवुड वाली, हमारी पुलिस जहाँ सब सारा काम हीरो कर लेता, बस लास्ट में पुलिस आती है वहां पे गिरफ्तार करने। हाँ, एक पिक्चर तो मैंने ऐसी भी देखी थी जिसमें असरानी को हाथ लगा के देखता, अच्छा ये मर गया, अरेस्ट कर लो इसको, वो पुलिस ऑफिसर। तो हमारे यहाँ ऐसे ही काम है, और अच्छा हमारे यहाँ ही नहीं है, सभी जगह, अमेरिका में भी आपने याद हो 2008 में जब ये मंदी हुई थी और उसके बाद S&P ने अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की, AAA है, उसके बाद अमेरिकी मार्केट वापस चल गए। आप तो कहाँ, अमेरिका में? कनाडा। हाँ, वहाँ रहे हुए हो, आपको तो पता है इतनी इतनी फीस, इतनी फीस चार्ज करके इतना स्लो, इतना लेट, अनिल जी वाकई में इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ऑन ए सीरियस नोट, ये बात सही है कि रेटिंग एजेंसीज अभी तक जो काम कर रही है वो ये कर रही है कि सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटते हैं रेटिंग एजेंसीज और ऑडिटर्स, अभी तक कांड हो जाने के बाद बताते हैं कि कांड हो गया है, जो आपको हमें सबको पता होता है पहले बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है। और इस पर आई एम श्योर कि रेगुलेटर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे, होने भी चाहिए, तो ये बात तो सही है। अब बताइए जैन इरिगेशन के बारे में कहाँ बेचना है? अरे जी मुझे लगता है कि देखिए जो ये 55 रुपये से लगभग सीधा 27 रुपये रह गया, यानी कि 50% ड्रॉप हुआ है, और उसी अनुपात में करेक्शन भी इसमें पुलबैक में आ सकता है, हो सकता है एक बार ये 35 रुपये तक का एक पुलबैक आपको दिखाए, सेफ जगह बेचने की अब 35 रुपये है, तो इन स्तरों पर बिल्कुल ना बेचें, 1-2 रुपये ऊपर खुले तो भी ना बेचें, कोई बड़ा पुलबैक आता है 34-35 के लेवल्स दिखते हैं तब आप इसमें दोबारा से शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जैन इरिगेशन पे चर्चा, लेकिन जैन साहब आपसे एक सवाल है, 21 तारीख को जो GST काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें एक एक्सक्लूसिव खबर हमारे हाथ है,
उसमें यह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर सरकार ड्यूटी जो है वो 12% से सीधा घटाकर 5% करना चाहती है। कितना फर्क पड़ेगा और किन पे पड़ेगा? नहीं देखिए, बड़ा चेंज है इनफैक्ट, और बहुत ज़रूरी भी है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतना फोकस सरकार, इनफैक्ट 2-3 सालों से काफ़ी चर्चित विषय ये हो रखा है और अभी भी उसमें कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और कई स्टॉक्स उसको चलते चलते भी हैं, बट मैं ये कहूँगा कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी आनी और फिर ये जो सब्सिडीज़ देने की बात चल रही है, फिर GST कम करने की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्टॉक्स, काफ़ी कंपनियां, काफ़ी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। मगर उस चीज़ में, उस होड़ में कहीं ना कहीं आप कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली या हल्की क्वालिटी की कंपनियों पे कहीं नहीं फंस जाएं। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी आप कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नामचीनी कंपनियां, जिनको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर इमीडिएट नहीं होगा तो धीरे धीरे वो लोग अपने आप को मोल्ड करेंगे और उस तरफ अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ को, उस पॉलिसी को बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है L&T है या मॉइल है, ABB है, सीमेंस है, इन टाइप की कंपनियों पर ध्यान दें, ये बड़ी दिग्गज क्वालिटी कंपनियों पर ध्यान दें, यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होगा और सस्टेनेबल फ़ायदा ये लोग कंपनियाँ कर पाएंगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी और इनकी जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या सस्टेनेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी या इस पर्टिकुलर जो मुहिम है सरकार जो इसके पीछे पड़ रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होगा, चेंजेस मिलेंगे। सो इसलिए जो मैंने कंपनियां बोली है इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, एक और आज, क्योंकि मेटल्स के अंदर भी पुल बैक आ सकता है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, NMDC पे प्रोडक्शन और बिक्री दोनों के आंकड़े बढ़कर आए हैं। वागला साहब एक बार जरा NMDC के चार्ट देखिए, आज खबर के साथ थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चल सकता है क्या ये? डिम्पी चार्ट में तो ऐसे कुछ नहीं है, संकेत नहीं है कुछ, हाँ मतलब साइडवेज रेंज में चल रहा है, जो 102 ऑन द डाउन साइड, 108 110 ऑन द अपसाइड, अगर आप ये रेंज में प्ले करना चाहते हैं तो मे बी इट विल टेस्ट द अपर साइड, 110 तक जा सकता है, तो 4-5% की अपसाइड मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 4-5% की अपसाइड है ना, बस इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा 100 वाला शेयर यानी कि 110 से ऊपर नहीं जाएगा, और वो अगर उसमें से भी 2-3% गैप से खुल गया तो कुछ बचेगा, तो फिर कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो फिर आज गैप के साथ ज्यादा बड़ा खुले तो फिर एक बार छोड़ भी सकते हैं। कैनरा बैंक, इस पे खबर यह है कि कैनफिन होम्स में हिस्सेदारी अपना बेचना चाहते हैं, करीब 30% की हिस्सेदारी इसमें है कैनरा बैंक की, और इसके लिए बोर्ड से अप्रूवल भी आ चुका है। जैन साहब, एक तो इस पे आपका फंडामेंटल व्यू चाहिए, फिर मैं जरा टेक्निकल व्यू विश्वेश से लेता हूँ कि कैनरा बैंक में क्या करें। ये जब भी कोई पेरेंट कंपनी अपनी और कंपनीज के अंदर हिस्सेदारी जो होल्डिंग रखती है उसको बेचती है तो किस पे ज़्यादा असर आता है, जिसका हिस्सा बेचा है या जो बेच रही है उस पे? नहीं देखिए, फ़ायदा तो जो बेच रही है उन्हीं को ही आता है, बट इन कंपनियों के साथ क्या है, जैसे कि PSU बैंक्स में दूसरी चीज़ें इतनी हावी रहती है, दूसरे फैक्टर्स, और रोज़ इतनी ज़्यादा ये ट्रेडिंग बेट्स की तरफ चल रही हैं, कोई भी पॉलिसी आती है या कुछ भी होता, तो मुझे लगता है कि कैनफिन होम्स सर्टेनली स्टेक बिकेगी, तो कैनरा बैंक के पास फंड्स आएंगे, फ़ायदा कैनरा बैंक को होगा, फिर इनके इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं तो कई सारे वैल्यू अनलॉकिंग रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिस्काउंटिंग हो चुका, और पर्टिकुलरली ये चीज़ तो काफ़ी दिनों से चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये पर्टिकुलरली PSU बैंक्स पे ध्यान जब देना है तो सर्टेनली NPA की क्वालिटी या NPAs या इनकी एसेट क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो ओवरऑल ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ और क्या भाव पे बिकता है वो सब देखना ज़रूरी है, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से कैनरा बैंक को मैं बाई करूँ। सो ओवरऑल ठीक है, मतलब इट्स अ न्यूज़ ओनली, डिस्कवर्ड स्टोरी एंड ऑलरेडी डिस्काउंटेड स्टोरी। ठीक, आप ये कह रहे हैं सिर्फ एक खबर ही है, कैनरा बैंक के ऊपर जल्दी से चार्ट देखिए फिर फर्स्ट एड को शुरू कर। देखिए मेरे हिसाब से 272 और नीचे में 256 की रेंज है, आइदर साइड ब्रेकआउट हो तो ही कुछ करना चाहिए, 270 256 ये 15 रुपए की रेंज है मोटा मोटी, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, कोई ब्रेकआउट आने वाला नहीं है, सिर्फ एक खबर के तौर पर इसको खबर को समझें। फिलहाल लेवल्स भी आपके सामने आ गए हैं, 255 254 से और साथ ही साथ 270 तक के टारगेट है, ये एक रेंज भी है।